डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस सब कल्चर सब कल्चर से मुराद ये है कि हर सोसाइटी जो है वो एक क्लेक्टिव या लार्जर कल्चर रखती है लेकिन इसका ये मतलब हरगज़ नहीं होता कि वो लार्जर कल्चर जो है वह होमोजनस एंटिटी हो वो एक ऐसा मजमु है जिसके अंदर डाइवर्सटी मौजूद नहीं है जिसके अंदर वैराटी मौजूद नहीं है या जिसके अंदर जो सब सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं या सब ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके अपने यूनिक और डिस्टिंग्विशेबल कल्चर्स मौजूद नहीं हैं सोसाइटीज़ जो होती हैं वो एक होमोजनस कलेक्टिव एक्टिविटी या कलेक्टिविटी का नाम नहीं है उसके अंदर डाइवर्स ग्रुप्स डाइवर्स मेंबर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बदौलत कुछ डिटिंगटिव कल्चरल ट्रेट्स पैदा होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द कल्चर ऑफ रॉक बैंड फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टूडेंट्स कल्चर इन आप पर्टूलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल द कल्चर ऑफ़ ड्रग एडिक्ट द कल्चर ऑफ एथलीट्स और द कल्चर ऑफ द आर्ट परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स तो जो सर्टन ग्रुप्स होते हैं वो एक ख़ास पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स की मदद से कुछ डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेट्स जो हैं वो अपने ग्रुप के हवाले से पैदा करते हैं उनको हम सब कल्चर्स कहते हैं सो द ग्रुप्स हुज वैल्यूज़ एंड रिलेटेड बिहेवियर्स डिस्टिंग्विश इट्स मेंबर्स फ्रॉम द कॉमन और द जनरल कल्चर तो ये जो डिस्टिंगशंस होती हैं ये उनकी स्पेसिफिक कल्चरल ट्रेट्स की बदौलत पैदा होती हैं मिसाल के तौर पर आप अगर ड्रग की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ड्रग जो होंगे वो अपना एक डिस्टिंगटिव कल्चरल पैटर्न डेवलप करके तो अपनी एक्टिविटी को उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है सर अंजाम देते हैं जैसे उनमें कुछ जो हैं वो आई डी यूज़ होंगे इंजेक्ट ड्रग यूज़र्स होंगे कुछ जो हैं वो इनहेल करने वाले होंगे कुछ जो हैं वो कोई भी और मेथड यूज़ करके ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे अपना अपना एक यूनिक कल्चरल पैटर्न जो है वो रखते हैं वो किस तरह से ड्रग्स लेते हैं उनके क्या कलेक्टिविटी के क्या पैटर्न्स होते हैं किस जगह पे इकट्ठे होते हैं क्या क्या मैकेनिज़म्स अडॉप्ट करते हैं जिसके थ्रू वो जाके ड्रग्स को परचेज़ कर सकें एट्सीट्रा एट्सेट्रा ईच कल्चर हैज़ इट्स ऑन वैल्यूज़ नॉर्म्स एंड गिविंग दैम आ कामन आइडेंटिटी इसी तरह आप अगर एजुकेशनल इंस्टिट्यूशनस के अंदर देखें तो हमें नज़र आएगा कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है या कायद अजम यूनिवर्सिटी है तो उनके स्टूडेंट्स के जो कल्चरल पैटर्नस uh, होंगे या बिहेवियरल पैटर्नस होंगे वो एक दूसरे से डिस्टिंगविश होंगे और उनकी जो एक्टिविटीज़ होंगी विद इन दैट इंस्टीट्यूशन दे वु यूनिकली डिफाइन देयर ऑन डिस्टिंगटिव कल्चर्स जैसे uh, पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर कोई फेस्टिवल होगा तो वहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि uh, जो मिक्स गैदरिंग है वो ना हो और एक ख़ास तरह से कल्चर की रिप्रेजेंटेशन या रिफ्लेक्शन हो जबकि कायदे अजम यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे थोड़ी फ्लैक्सीबिलिटी है और मिक्स गैदरिंग्स जो हैं दे आर टॉलरेबल सब कल्चर्स कैन फॉर्म अराउंड एनी इंटरेस्ट ग्रुप और एक्टिविटीज एज आक्यूपेशन हो सकता है आपकी एथनीसिटी हो सकती है आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है एजुकेशनल uh, ग्रुप हो सकता है स्पोर्ट्स हो सकती हैं किसी भी फॉर्म uh, के अंदर एक यूनिक कल्चरल पैटर्न जो है वो उसके मेंबर्स को uh, एक डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है सो इट डेवलप्स द स्पेशलाइज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद वन एन अदर जो मीनस ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी डिफरेंट हो जाते हैं uh, मसलन जो आ, जब मैंने ड्रग एडिक्ट की बात की तो डेफिनेटली जो उनके मीन्स ऑफ कम्यूनिकेशन होंगे वो डिफरेंट होंगे दैन दोज ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद महज लैंग्वेज नहीं है उस लैंग्वेज के अंदर हो, इस्तेमाल होने वाले जो पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक जैरगनस होते हैं उनके थ्रू भी जो कम्युनिकेशन के पैटर्न या स्टाइल हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं कुछ सिंबॉलिक एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं uh, जैसे uh, किसी को किसी uh, ख़तरे का इशारा देना तो जो ड्रग uh, एडिक्स होंगे uh, मिसाल के तौर पे, चूँकि वो एक uh, ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो एंटी सोशल कंसीडर होती है तो एंटी सोशल बिहेवियर में जो है वो उन, उनके एक स्पेसिफ़िक सिंबॉलिक कल्चर डेवलप होगा जिसके थ्रू वो सिंबल्स uh, के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे जबकि जो प्रो सोशल एक्टिविटीज़ हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस के अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं जब क्लासरूम के किस सेटअप में बैठेंगे तो एक खास तरह से बिहेव करेंगे जब वो आउटसाइड द क्लासरूम मतलब वो कैंटीन के अंदर बैठे हैं ग्रुप एक्टिविटी में तो उनके बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं वो इनफॉर्मल होंगे और उनका कम्युनिकेशन का पैटर्न भी जो है वो डिफरेंट होगा एंड मोस्ट ऑफ द पीपल में बिलोंग टू सेवरल सब कल्चर ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्पेसिफिक ग्रुप है या स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है वो किसी एक ही सब कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो मिसाल के तौर तो पे आप एज़ आ स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी uh, के अंदर एक क्लासरूम uh, एनवायरनमेंट में एक ख़ास तरह के सब ग्रुप का हिस्सा हैं सब कल्चर को रिफ़लैक्ट कर रहे हैं आउटसाइड द क्लासरूम विद इन द यूनिवर्सिटी जो है जब आप अपने पेयर ग्रुप या फ्रेंडशिप ग्रुप के अंदर आते हैं तो आपका वही जो बहेवियर है वो तब्दील हो जाता है वो रिलेटिवली इनफॉर्मल हो जाता है तो आप सैमल्टियसली दो तीन चार पाँच मुख्तफ़ ग्रुप्स का हिस्सा बन जाते हैं इसी तरह से हो सकता है आप किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इंगेज हैं और प्ले ग्राउंड के अंदर हैं तो वहाँ पर आप एक डिफरेंट सब कल्चर को रिप्रजेंट कर रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी से जब आप घर जाते हैं तो घर के अंदर एक और तरह का माहौल है फैमिली एनवायरनमेंट है उस फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो सब कल्चर है उसका पैटर्न तब्दील हो जाएगा देन सब कल्चर प्रोवाइड्स मेंबर्स अ डिस्टिंक्टिव वे ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड अराउंड देम इससे मुराद ये है कि हम अ ह्यूमन बींग जब किसी भी कल्चरल uh, एस्पेक्ट्स को किसी भी बिहेवियरल एस्पेक्ट को अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी भी इवेंट को अपने गिर्द होता हुआ देखते हैं तो हम उसको जज करने के लिए उसको इंटरप्रेट करने के लिए डिफरेंट लेंजेज़ का इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी uh, के अंदर uh, अगर क्लासरूम में बैठे हुए हैं और कोई स्टूडेंट शाउट कर रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर तो आप उसके इस बिहेवियर को डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट करेंगे एज कंपेयर टू वही स्टूडेंट अगर कैंटीन में बैठा हुआ शाउट कर रहा है या प्ले ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ शाउट कर रहा है तो उसका बिहेवियर परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल है हाँ क्लासरूम के अंदर उसका बिहेवियर जो है वो डिवियंट बिहेवियर कंसीडर होगा आउटसाइड द क्लासरूम वही बिहेवियर जो है वो अंडरस्टैंडेबल है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही कैन शाआउट एंड दैन द मेम्बरशिप इन द सब कल्चर इज़ नॉट ईजीली अवॉर्डिड डेफ़िनेटली उसके कुछ सर्टन क्राइटेरिया होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको मेंबरशिप अवॉर्ड की जाती है या आप उस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं मसल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक ख़ास लेवल की एजुकेशन की ज़रूरत होगी जब तक आप वो लेवल अचीव नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी आपको उस सब uh, ग्रुप की मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी इसी तरह से अगर आप किसी डेवियन एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अनफॉर्चुनेटली डेविएंट होना पड़ेगा और फिर जाके वो ग्रुप जो है वो आपको अब्जॉर्ब करेगा आपको अपनी मेंबरशिप प्रोवाइड करेगा जैसे मैंने ड्रग एडिक्ट की मिसाल दी तो ड्रग एडिक्ट ग्रुप का पार्ट बनने के लिए अनफॉर्चुनेटली uh, आपको ड्रग एडिक्शन uh, या एटलीस्ट uh, जो ड्रग का इंटेक है उस एक्टिविटी का हिस्सा बनना पड़ेगा uh, इसकी जो मेजर एग्ज़ाम्पल्स uh, हमारे सोशोलॉजी uh, uh, के लिटरेचर के अंदर दी जाती हैं जैसे ट्रक ड्राइवर्स का एक बड़ा यूनिक कल्चर होता है मॉडल्स जो हैं जो प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं रैंप पे चलने वाले लोग जो हैं उनका भी एक यूनिक कल्चर uh, होता है जिसकी मदद से वो दे कैन बी ईज़िली आइडेंटिफाइड एंड बी डिस्टिंगशेबल फ्राम अदर सब ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी